व्यक्तियों में से कुल 588 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। जो हमारे डिस्चार्जेज हैं इनका प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और आज डिस्चार्जेज का प्रतिशत कुल संक्रमित लोगों में से 64.13% हो गया है, 64% क्रॉस कर गया। कल प्रदेश में 14,676 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक 5,88,186 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्टिंग का कार्य हम लगातार कर रहे हैं और पूल टेस्टिंग के माध्यम से हम लगातार जो उसका प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से सैंपलिंग करवा रहे हैं। 1,242 5-5 सैंपल के पूल और 102 10-10 सैंपल के पूल कल टेस्टिंग में लगाए गए थे। आरोग्य सेतु ऐप का हम निरंतर उपयोग करते हैं, जो भी अलर्ट जनरेट होते हैं वो अपने हम जनपदों के साथ शेयर करते हैं, जिस जनपद का वो व्यक्ति होता है उस जनपद के साथ शेयर करते हैं ताकि वो लोग भी उनसे बातचीत करके उन्हें सावधान कर सकें और हम अपने राज्य के कंट्रोल रूम से भी लगातार उनको हम कॉल करवाते हैं। अब तक हम 90,400 लोगों को हम कॉल करवा चुके हैं। आरोग्य सेतु ऐप बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है और आपकी इस संक्रमण के काल में कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए आरोग्य सेतु बहुत ही सहायक और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसलिए जिनके पास भी स्मार्टफोन है वो अवश्य ही आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। आशा वर्कर्स निरंतर जो हमारे प्रवासी कामगार आए थे उनके घर घर जाकर उनका हालचाल पूछ रही हैं और उनके होम क्वारंटाइन के दौरान लगातार वो जा रही हैं, पूछ रही हैं और अब तक उन्होंने 18,18,405 माइग्रेंट वर्कर्स को घर जाकर के ट्रैक किया है, उनका हालचाल पूछा है और उनमें से उन्होंने 1,523 को किसी न किसी लक्षण के साथ पाया, चाहे उनको खांसी हो रही हो या सांस फूल रही हो या ज्वर हो, और उसकी उन्होंने रिपोर्टिंग की है। उसके आधार पर उनके सैंपल लेकर के उनकी ऐसे प्रवासी कामगारों की जांच की जाती है। जिसकी रिपोर्टिंग आशा वर्कर्स ने की उनमें से 1,206 के परीक्षण के परिणाम हमारे सामने आ गए हैं। उनमें से 212 पॉजिटिव निकले और 994 उसमें से निगेटिव आए, जो 17.6% होता है। सर्वेलेंस के काम में अब तक 20,753 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य हुआ है, जिसमें 7,164 हॉटस्पॉट के कंटेनमेंट जोन और 13,589 नॉन हॉटस्पॉट के एरियाज में सर्वेलेंस का कार्य किया गया। 138,225 टीम दिवस के माध्यम से 1,01,93,353 घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिनमें 5,20,64,329 लोग रहते हैं। इस समय जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं, जो हमारे L1 L2 का स्ट्रक्चर है, L3 का स्ट्रक्चर है, एक हमने जो आर्किटेक्चर बना रखा है चिकित्सा के लिए, उसमें 6,205 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 7,188 लोगों को इस समय रखा गया है, जिनके सैंपल की जांच करवाई जा रही है और जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से उनके चिकित्सा की व्यवस्था या उनके फिर क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाएगी। कल हम लोगों ने जो वेंडर्स थे, जो डिलीवरी करते हैं, जो फल सब्जी बेचते हैं, वेंडर्स का हमने कल टारगेटेड सैंपलिंग किया था। उसके जब परिणाम आएंगे तो आपको फिर हम उससे भी अवगत कराएंगे। आज पूरे प्रदेश में जो लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं, बस चलाते हैं या साइकिल रिक्शा चलाते हैं, जो चालक हैं, जो कि कई लोगों से मिलते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं, आज पूरे प्रदेश में उनकी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। सैंपलिंग को अब हम और बढ़ाएंगे। अब जो हमारी मशीनें थीं वो अब कार्यरत हो गई हैं, कार्यशील हो गई हैं, तो अब हमारा ये प्रयास होगा कि हम अगले 2-3 दिन में ही सैंपलिंग को हम 20,000 तक ले जाएं और फिर मंथ के एंड तक फिर उसको हम 25,000 तक ले जाने का हमारा प्रयास है। जो बचाव के तरीके हैं वो मैं आपसे रोज़ साझा करता हूँ।
बचाव के तरीकों के बारे में हम लोग रोज़ बात करते हैं कि हम अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धो करके, अपने मुंह और नाक को हम मास्क से, रुमाल से, दुपट्टे से, गमछे से ढक करके सार्वजनिक स्थलों पर, और लोगों से हम 2 गज की दूरी में बना करके अपने आप को इस संक्रमण से हम बचा सकते हैं। अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है, इसलिए बचाव ही इसका सबसे अच्छा तरीका है। और जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें अब हम एंटीजन टेस्ट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंटीजन टेस्ट अभी हम 5 शहरों में, आपको हमने बताया था, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी, गोरखपुर में हम शुरू कर रहे हैं, और इसके अलावा जो मेरठ मंडल के 6 जिले हैं उनमें भी हम शुरू करने जा रहे हैं। कल उनकी भी हम, उनके जो स्टाफ है उसकी भी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और फिर हम उनको भी, उनके लिए भी हम किट की व्यवस्था आज हम करवा रहे हैं, वहाँ भी ये कार्य प्रारंभ होगा। आप सबों से अनुरोध है कि अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी पर ध्यान दीजिए। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो संक्रमण आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप संक्रमित होते भी हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप संक्रमण से बचने के लिए तो जो बचाव के तरीके हैं उसका इस्तेमाल तो करें ही, लेकिन अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाइए। और उसके लिए आप नीम की पत्ती का सेवन कर सकते हैं, उसके लिए आप अदरक, काली मिर्च, तुलसी के काढ़े का सेवन कर सकते हैं, अजवाइन के अर्क का सेवन कर सकते हैं, गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं, गिलोय का रस पी सकते हैं। कई तरीके हैं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और योग करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए, इससे भी आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। और अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखेंगे तो संक्रमण के बावजूद भी आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन संक्रमण से कुछ लोग जो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उन्हें बचाना, उन्हें बचना और उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो, जो गर्भवती महिलाएं हैं वो, जो छोटे उम्र के बच्चे हैं वो, और जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, इन लोगों को संक्रमण से बचना चाहिए। और हमें भी अपने इस सामाजिक दायित्व को समझना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को संक्रमण से बचाएं, हम इनके नज़दीक बिल्कुल न जाएं। और ये लोग भी घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। बीच में हम लोगों ने देखा था कि जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनका प्रतिशत कुल संक्रमित लोगों में से 6% तक घट के आ गया था। अब जो इस समय हमारे पास आंकड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके संक्रमण का प्रतिशत 6% से बढ़कर के 6.74% हो गया है। इसका मतलब कि कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको, उनमें संक्रमण थोड़ा सा बढ़ा है, जो चिंता का विषय है। हमें बुजुर्गों को बचाना है, हमें उनके नज़दीक नहीं जाना है। अपने घर में भी, अगर आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी आप कम से कम 2 गज की दूरी मेंटेन करिए, उनके नज़दीक मत जाइए। और ये ध्यान रखिए कि वो लोग संक्रमण, बिल्कुल उनको संक्रमण से ग्रसित न होने पाए। जो भी लोग कमज़ोर हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, इन्हें संक्रमण से बचाइए, इनमें ही जटिलताएँ आती हैं। जो लोग स्वस्थ हैं वो भी संक्रमण से बचें, बचाव के तरीके आपको हमने बताया है, लेकिन उनमें कोई जटिलता नहीं आती, परंतु इन लोगों में जटिलता आती है। इसलिए इन लोगों को खुद भी बचना चाहिए और हमें भी उन्हें बचाना चाहिए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो बाकी की सभी बातें बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज टीम 11 की बैठक लोक भवन में आयोजित की, सर्वप्रथम उन्होंने जो कोविड हेल्प डेस्क है और ये जो उत्तर प्रदेश में एक नई व्यवस्था उन्होंने दी है कि हर चिकित्सालय पर, सीएचसी पर, पीएचसी पर, जिला चिकित्सालय पर, प्राइवेट अस्पतालों में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर थाने में, हर बड़े कार्यालय में कम से कम 2 लोग लगाकर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक पूरा पीछे बैनर लगा के कोविड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर वहाँ पर इंफ्रारेड थर्मामीटर, वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर रखते हुए ये व्यवस्था उन्होंने दी है कि हर व्यक्ति जो भी कहीं भी किसी महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा है वो तुरंत
कोविड के संदर्भ में राय ले सके, एक उसकी प्राथमिक जांच हो सके। आपको मालूम है कि यदि किसी को बुखार होता है तो तुरंत इंफ्रारेड थर्मामीटर से पकड़ जाता है और तुरंत उसको सस्पेक्टेड केस करके उसको तुरंत अस्पताल में चेक कराने के लिए भेजा जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर, आपको मालूम है कि ये ब्लड का ऑक्सीजन लेवल देखता है, 96 से 97% है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे नीचे चला जा रहा है और निरंतर घट रहा है तो निश्चय ही उस व्यक्ति को तुरंत सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहाँ तुरंत उसको जो है मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है। तो कोविड हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उसके साथ सूचना विभाग को भी आदेश दिया है कि वो पोस्टर तुरंत लगाएं, सूचना विभाग उसकी व्यवस्था कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक काफ़ी भारी संख्या में कोविड हेल्प डेस्क बना ली है और मैं एक आपको जरूर कहना चाहूँगा कि यदि हम एक मंडल ले लें आगरा, तो आगरा के जैसे जो वहाँ के आयुक्त है बताया उन्होंने कि आगरा शहर में ही, आगरा जिले में ही 144 जगह कोविड हेल्प डेस्क बना दिए गए हैं, फिरोजाबाद में 44 जगह बना दिए हैं, मथुरा में लगभग 50 जगह बना दिए हैं, मैनपुरी में लगभग 20 जगह कोविड हेल्प डेस्क बना दिए हैं। इसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पूरा ये प्रकोप ज़्यादा है वहाँ पर जगह जगह मेरठ जोन में भी, मेरठ के कमिश्नरी में भी, सहारनपुर के कमिश्नरी में भी काफ़ी संख्या में हेल्प डेस्क बनाई है। पूरे प्रदेश में ये हेल्प डेस्क बनाने की प्रक्रिया आजकल में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि यहाँ पर मैनिंग प्रॉपर हो, व्यक्ति कायदे से लगाए जाए, उनको ट्रेन भी किया जाए जिससे वो सही रूप से लोगों का मार्गदर्शन कर सके और लोगों का जो है सही रूप से स्क्रीनिंग में हेल्प कर सके। मुख्यमंत्री जी द्वारा आज ये भी निर्देशित किया है कि यहाँ जो प्रदेश में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी भेजे जाएं वो तुरंत अब भेज दिए जाएं। आपको मालूम है कि कई बार अलग अलग अधिकारियों को फील्ड में भेजा गया है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा गया, वरिष्ठ चिकित्सा से विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों को भेजा गया, विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को भेजा गया, सचिव स्तर के अधिकारियों को भेजा गया, प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को भेजा गया। तो निरंतर ये प्रयास प्रदेश स्तर का है कि हर जनपद में खुद ग्राउंड लेवल पर सीनियर ऑफिसर्स जाकर उनका निरीक्षण करें। स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी भी स्वयं ग्राउंड लेवल पर जाकर जो है कार्य देख रहे हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी भी स्वयं ग्राउंड लेवल पर कार्य देख रहे हैं और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी ग्राउंड लेवल पर 4 मंडलों का दौरा किया है। उसी कड़ी में अब दूसरी बार विशेष सचिव स्तर के अधिकारी फील्ड में भेजे जा रहे हैं जिससे कि वो खुद जाकर अस्पतालों का दौरा कर सके, जो कोविड सेंटर्स उनका दौरा कर सके और साथ साथ होम क्वारंटाइन में जो लोग हैं उनके बारे में भी समीक्षा कर सके। मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग की संख्या को और बढ़ाने का निर्देश दिया है, टेस्टिंग अब लगभग 17,000-17,500 तक पहुंच गई है, लेकिन इसको 20,000 पूरा करने के लिए आज उन्होंने विशेष निर्देश दोनों अपर मुख्य सचिव गणों को दिया है कि जब क्षमता हो गई है तो सैंपल भी पूरी संख्या में बढ़ाते हुए 20,000 जो है इसको जल्दी इसको क्रॉस कर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराई जाए। टेस्टिंग में एक नई विधा आई है जिसमें एंटीजन टेस्ट के लिए जो है एक व्यवस्था आई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि एंटीजन टेस्ट की किट्स आ गई हैं और कल से ये काम जो है शुरू हो रहा है। 5 जनपदों में इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी में और कानपुर नगर में, इनमें जो है विशेष रूप से इन पर ध्यान दिया जाएगा। ये जो एंटीजन टेस्ट है ये नया टेस्ट ICMR ने प्रेस्क्राइब किया है, ये टेस्ट से तुरंत पता लग जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो ये टेस्ट तुरंत उसको जानकारी मिल जाएगी और बहुत समय नहीं लगेगा। तो ये एक तरह से कह लीजिए एक फास्ट मैकेनिज्म है जिसको नई विधा को कल से प्रदेश में लागू किया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए 1,00,000 जो है स्क्रीनिंग टीम्स बनाने का भी निर्देश दिया है, स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है। मुख्य सचिव साहब को मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि वो अपने स्तर से भी इसकी समीक्षा करके हर जनपद में, हर गांव तक और हर वार्ड में, वार्ड लेवल तक जो है इसकी जो है माइक्रो मैनेजमेंट कर लिया जाए जिससे कि गांव में भी
जो है व्यक्ति तमाम सरकारी हमारे अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको जोड़ा जा सके और वार्ड लेवल पर भी लोगों को जोड़ा जा सके। उन्होंने आदेश दिया है कि जो आशा वर्कर हैं उनके साथ ANM वर्कर्स को भी जो है जोड़ दिया जाए। वार्ड स्तर पर जो है शहरी क्षेत्र में भी जो आशा वर्कर्स और हेल्थ विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आउटपोस्ट में शहरी क्षेत्रों में भी जहां अस्पताल हैं वहां उनसे जोड़कर ऐसे टीम को गठित किया जाए कि कम से कम 1 लाख की संख्या हो जाए। ये जो टीम होगी ये पूरा सर्वेलेंस करेंगी, घर घर जाएंगी, देखेंगी कि जो भी लोग हैं वो कहीं भी किसी भी रूप में संदिग्ध तो नहीं है, और उनको जो है ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उनका सैंपल लिया जाएगा। कोविड चिकित्सालयों में बेडों की संख्या को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया गया है। नए नए अस्पताल अब चयनित किए जा रहे हैं और कोशिश विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेगी। यदि आवश्यकता पड़े तो और भी अस्पताल और भी जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस को लिया जाए जिससे कि वहाँ पर बेड्स की संख्या को बढ़ाया जा सके। अस्पतालों में नियमित रूप से राउंड हो, ये विशेष रूप से एक व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने दी है। स्वयं उनके कार्यालय से जो है पेशेंट्स को फोन करके जो अलग अलग चिकित्सालयों में है उनसे फीडबैक लिया जाता है, जिससे हर चिकित्सालय के बारे में एक तरह से आंखों देखा हाल वहाँ के पेशेंट्स के फोन के फीडबैक से ही पता लग जाता है और उसमें जो सुधार होता है वो निर्देश प्रतिदिन फिर दिए जा रहे हैं। रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से कोविड का प्रचार जागरूकता के लिए विशेष आदेश दिए गए हैं। मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, ये जो है अगर गोल्डन वर्ड्स हर व्यक्ति के दिमाग में आ जाए, हर बच्चे को, हर नौजवान को, हर परिवार के जो सदस्य हैं उनको, बूढ़े व्यक्ति को, जो भी वृद्ध जन है, जो भी कहीं जा रहे हैं, जो भी कहीं भी पब्लिक प्लेस में निकल रहे हैं, सरकारी कर्मचारी को, सबको जो है ये लगाना जरूरी है। मास्क अगर रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी तो चांसेस किसी भी रूप में संक्रमण के काफ़ी कम या बिल्कुल न्यून हो जाते हैं। यही इसका इलाज भी है, यही इसके बचने की तरीका भी है। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के बारे में आपको मालूम है कि 5 चरण में खाद्यान्न वितरण प्रदेश में हो चुका है और 6ठे चरण में अब खाद्यान्न वितरण जो है 20 तारीख से शुरू हुआ है। और मुझे बताकर खुशी है कि कुल पूरे प्रदेश में राशन कार्ड जो है 3,56,28,696 हैं और उनमें 2,39,36,517 यानी 67% राशन कार्ड में 3 दिन में ही जो है राशन का वितरण 20, 21, 22 और फिर 23 तारीख में समीक्षा आज 2:30 बजे तक ये वितरण हो चुका है। यानी पूरे प्रदेश में 2/3 वितरण ही जो है 3-3.5 दिन में हो गया है। इनमें जो यूनिट्स हैं कुल 10 करोड़ यूनिट्स, 10,15,09,060 यूनिट्स को वितरण कर दिया गया है। इस बार चना और चावल दिया जा रहा है, चना और चावल, चना भी जो है साबुत इसलिए दिया जा रहा है कि उसको किसी भी रूप में उपयोग किया जा सके, चने की दाल और चावल दिया जा रहा है। और इसके क्रम में अब तक जो है 5,07,554 मेट्रिक टन चावल का वितरण हो गया है और 23,734 मेट्रिक टन चने का वितरण हो गया है। ये भी वितरण व्यवस्था जो है लगभग 67-68% की कर दी गई है। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में 188 के अंतर्गत कुल अब तक 75,686 मामले जो है अभियोग पंजीकृत कराकर 1,97,000 लोगों को जो है अभियुक्त बनाया गया है और अब तक इनमें से जो है विधिक कार्रवाई 1,52,000 लोगों के खिलाफ कर दी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त।
राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9।